तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 6 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब फर्स्ट ट्यूसडे यानी कल की फुल डे में कैसी क्या ग्रोथ रही है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग से नाइट तक की फुल रिपोर्ट आ चुकी है। कल फुल डे नेट इंडियन कलेक्शन कितना किया, ओवरसीज कलेक्शन कितना किया और पूरे दिन में कितनी कमाई करी और कल पहले 6 दिन में कितनी कमाई ये मूवी अभी तक कर चुकी है। उससे पहले जवान की एक ह्यूज अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले 6 दिन में ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है मूवी ने सिर्फ हिंदी कलेक्शन के मामले में। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, इतनी तो पूरी कमाई होती है कई बड़ी बड़ी फिल्मों की, लेकिन जवान ने 6 ही दिनों में यह धमाल मचा दिया। सिर्फ 6 दिन में ही 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से। ऑसम ऑसम कलेक्शन। लेकिन सैड डे फॉर जवान, इंडिया और श्रीलंका का मैच होने के कारण जवान की लंका लग गई। मतलब मूवी और अच्छा ग्रोथ कर सकती थी, जो हम कल प्रिडिक्शन कर रहे थे उससे कहीं नीचे आंकड़े देखने को मिले हैं। तो अगर मैच ना होता तो मूवी और अच्छी कमाई कर सकती थी। लेकिन वैसे मैं कहूंगा मैच बहुत जबरदस्त रहा, मैच में मजा तो आया खैर, लेकिन जवान ने ये भी टक्कर किया है और सॉलिड कमाई करी है कल डे 6 में भी। ऐसा नहीं है कि कमाई बिल्कुल स्लो हो गई, ऐसा कुछ नहीं था, जवान ने फिर भी बहुत अच्छी कमाई करी। इससे पहले पठान का फर्स्ट ट्यूजडे रिपोर्ट देख लेते हैं। पठान ने अपने पहले 6 दिन में कैसी क्या कमाई करी, डे 6 में कैसी क्या कमाई करी थी, फर्स्ट ट्यूजडे में कैसी क्या कमाई करी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी से पठान ने डे 6 में 22 करोड़ कमाए थे और ऑल लैंग्वेज से पूरे दिन में 23 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। इंडियन कलेक्शन की बात करें तो पठान के पहले 6 दिन की कमाई थी 297 करोड़ के आसपास, लेकिन जवान ने पहले 6 दिन में ही 300 करोड़ के क्लब में ना कि एंट्री मारी बल्कि इसको क्रॉस भी कर लिया। आगे बताऊंगा एक्चुअल एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। तो पठान के इस रिकॉर्ड को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट डाउन करा है जवान ने। दोस्तों जवान ने कल सिर्फ हिंदी से कमाई करी है 24 करोड़ की, भाई अमेजिंग नंबर। मैच ने बहुत फर्क डाल दिया, हालांकि ऐसा देखकर लग नहीं रहा था जो मैंने प्रिडिक्शन करा था कि इससे नीचे आंकड़ा देखने को मिला है। जो मैंने प्रिडिक्शन करा था और भी लोगों ने जो प्रिडिक्शन करा था उससे आंकड़ा नीचे ही देखने को मिला, लेकिन जब फुल डे की ऑक्यूपेंसी देख रहे थे, बुकिंग देख रहे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मूवी इतना डाउन चले जाएगी। खैर कोई नहीं, सॉलिड कमाई करी, फिर भी उसके बाद भी देखा जाए तो मैच होने के बाद भी सिर्फ 24 करोड़ हिंदी से कलेक्शन किया है और लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास तमिल एंड तेलुगु से भी करा है। तो मूवी ने जवान ने पहले 6 दिन में ही 306.75 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम किया है, मतलब 307 करोड़ के आंकड़े के आसपास। और बॉलीवुड की नंबर वन मूवी हिंदी लैंग्वेज में नंबर वन ग्रॉसर मूवी बन चुकी है पहले 6 दिनों में ही, जिसने 300 करोड़ के क्लब में फास्टेस्ट एंट्री मारी है। इसके बाद आती है पठान, जिसने 7 दिनों में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी। 8वें नंबर पर आती है गदर 2, जिसने फास्टेस्ट 300 करोड़ की कमाई करी थी। उसके बाद बाहुबली 2 आती है, जिसने ये आंकड़ा 10 दिन में कंप्लीट करा था। उसके बाद KGF 2 आती है, जिसने ये आंकड़ा 11 दिन में कंप्लीट करे थे फास्टेस्ट 300 करोड़ के मामले में। तो हिंदी से, वो भी हिंदी लैंग्वेज के मामले में, हिंदी लैंग्वेज से जितनी कलेक्शन करी है पहले 6 दिन के, उसकी रिपोर्ट थी। बात करें कल पूरे दिन में पूरी दुनिया से क्या रुझान रहा, कल डे 6 में पूरी दुनिया से कितनी क्या कमाई करी है, ओवरसीज से कितनी कमाई करी है मूवी ने, 21.12 करोड़, यानी 21 करोड़ ही मान के चलो राउंड फिगर में अगर बात करें तो। डे 6 में जवान ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा है 21 करोड़ के आसपास। तो पहले 6 दिन का टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है मूवी का पूरी दुनिया से, टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 6 दिन का होता है 596 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 596 करोड़ ये अपने खाते में रख चुकी है सिर्फ पहले 6 दिन में ही। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना तो सिर्फ टाइगर जिंदा है कि टोटल कमाई थी पूरी दुनिया से, चेन्नई एक्सप्रेस की भी कितनी कमाई थी, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, इन सब की कमाई थी 596 करोड़ से नीचे ही थी, बल्कि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, 550 करोड़ भी टच करी थी नहीं करी थी आई डोंट नो, बट इससे नीचे ही थी। और जवान ने डे 6 में ही 596 करोड़ अपने खाते में रख लिए हैं पूरी दुनिया से। दोस्तों अमेजिंग ग्रोथ, फाड़ू ग्रोथ, आज भी अच्छी खासी ग्रोथ करते नजर आ रही है। आज डे 7 में मूवी अच्छा रुझान चल रहा है, आज तो खैर कोई मैच भी नहीं है, तो आंकड़ा देखकर लग रहा है कि 24 करोड़ के आसपास जाता दिख रहा है हिंदी लैंग्वेज से और लगभग 1-2 करोड़ तमिल तेलुगु से भी ले लेगी, तो लगभग 26 करोड़ के आसपास ये नेट कलेक्शन करते दिख रही है इंडिया से आज डे 7 में। तो रात को इस पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि डे 7 में कैसी क्या ग्रोथ है फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की, जो हम रोज बनाते हैं। तो पहले 6 दिन में अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है मूवी, 596 करोड़। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है, क्या संडे तक 1000 करोड़ की कमाई ये कर जाएगी मूवी, आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और क्या लाइफ टाइम कलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या 1500 करोड़ ये लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाएगी नहीं कर पाएगी,
फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाएं। आपको क्या लगता है, क्या संडे तक 1000 करोड़ ला पाएगी, नहीं ला पाएगी? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।